पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही रब साही अपना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, पाकिस्तान आर्मी एक मोस्ट डिसिप्लिन और बैटलफील्ड रेंज आर्मीज में से एक है, जिसमें सर्विसिंग ट्रूप्स की तादाद 6,50,000 के करीब है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बड़ी आर्मीज़ में शुमार करती है। पाकिस्तान फोर्स की 3 ब्रांचेज हैं, इनमें लैंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवल फोर्स शामिल हैं। ये तीनों ब्रांचेज जदीद हथियारों से लैस हैं। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान फोर्सेज के ज़ेरे इस्तेमाल 10 छोटे हथियारों यानी गन्स और राइफल्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ब्लॉग। पाकिस्तान की फोर्सेज मुख्तलिफ किस्म के पिस्टल्स इस्तेमाल करती हैं, जिनमें HK P7 ब्लॉग, M9A1, 92F वगैरह शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पिस्टल ब्लॉग है। ब्लॉग की 2 इकसाम पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें ब्लॉग 17 और ब्लॉग 26 शामिल हैं। ब्लॉग 26 ऑफिसर्स, एयरफोर्स पायलट्स और SSG कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। अलीट कमांडो यूनिट्स ब्लॉक 17 इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया के बेहतरीन पिस्टल्स माने जाते हैं। नंबर 9, MT5 एक पिस्टल मशीन गन है, जो दुनिया में सब मशीन गन MM9 के नाम से याद की जाती हैं। इसे ओरिजिनली जर्मनी ने डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया था, लेकिन अब इस मशीन गन को 100% पाकिस्तान में डिज़ाइन और तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस इस गन को क्लोज कमबैक के लिए इस्तेमाल करती हैं। नंबर 8, M4 कार्बाइन। व्यूअर्स, M4 दुनिया की जदीद गन मानी जाती है। ये M16 का एक लेटेस्ट मॉडल है। M4 की बड़ी तादाद SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इस्तेमाल में है। इसके अलावा इसे क्विक रिस्पांस फोर्स भी इस्तेमाल करती है। M4 एक लाइट वेट और छोटी राइफल है। नंबर 7, AK-47। छोटे हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले लोग यकीनन AK-47 राइफल के बारे में जानते होंगे। इस गन को ओरिजिनली रूस ने बनाया था। पाकिस्तानी फोर्सेस बड़ी तादाद में इन राइफल्स को इस्तेमाल कर रही हैं। नंबर 6, G3 राइफल्स। G3 जर्मन और स्पेन की को प्रोडक्शन है। G3 1950 से दुनिया की बेहतरीन राइफल रही है, जो अभी तक आर्मीज़ के इस्तेमाल में है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पाकिस्तान आर्मी के लिए G3 गन्स तैयार कर रही है। G3 का वज़न दूसरी गन्स की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन इस गन की हाई एक्यूरेसी आज भी इस राइफल को सब राइफल से बरतरी देती है। नंबर 5, M16 को मदर ऑफ MF भी कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल यूनिट्स और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस हथियार को इस्तेमाल करते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से ये राइफल भी दुनिया की सबसे पावरफुल राइफल में शुमार होती है। पाकिस्तान के अलावा ये राइफल दुनिया की बहुत सी आर्मीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। नंबर 4, MG3 मशीन गन। MG3 एक मशहूर मशीन गन है, जिसको जर्मन आर्मी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया। 10.5 किलोग्राम वजनी ये मशीन गन पाकिस्तान आर्मी में मेन मशीन गन की हैसियत रखती है। पाकिस्तान आर्मी के जवान इस मशीन गन को बैड बॉय के नाम से पुकारते हैं, और पाकिस्तान आर्मी के पास ये मशीन गन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नंबर 3, M82। M82 एक स्टैंडर्ड स्नाइपर गन है, जिसको अमेरिका ने तैयार किया। पाकिस्तान आर्मी के स्नाइपर यूनिट और अलीट कमांडो फोर्सेस स्नाइपर गन्स इस्तेमाल करती हैं। ये राइफल हर किस्म के हालात और मौसम का सामना बखूबी करती हैं। पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ यूनिट इसे इस्तेमाल करते हैं। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पहाड़ों, सहराओं और कारगिल के महाज पर इस्तेमाल शुदा गन है। नंबर 2, SSG-69। SSG-69 भी एक स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल है, और ये ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई। ये एक लाइट वेट स्नाइपर राइफल है। पाकिस्तान आर्मी कमांडो और बॉर्डर फोर्सेस इस लाइट वेट स्नाइपर राइफल को इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग उर्दू HD.